हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत कॉमन है, वेरिकोसिल। वेरिकोसिल वैसे तो यंग एज ग्रुप के अंदर बहुत कॉमनली पाया जाता है, बहुत सारे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। आप मेरे टेस्टिकुलर पेन की एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें एक कारण टेस्टिस या स्क्रोटम जो हमारी जो हाइड्रोसिल्स होती हैं उसमें पेन के अंदर एक मुख्य कारण वेरिकोसिल भी होता है। आज हम बात करते हैं वेरिकोसिल क्या होता है। वेरिकोसिल क्या होता है? ये एक वेन्स का एक गुच्छा होता है, जो हमारी नसें होती है उसका एक गुच्छा होता है, जैसे कि एक बैग ऑफ वर्म होता है, या फिर बोलें तो किसी एक जगह हम एक रस्सी के को गुच्छा बना के रख दें और उनको जैसा फिलिंग होता है वैसा हमारे स्क्रोटम के अंदर फिलिंग होता है, ये एक वेरिकोसिल होती है, ये वेनों का एक गुच्छा होता है। ये वेन क्या होती है उसको समझाने के लिए पहले हम आपके स्क्रोटम की एनाटॉमी बताते हैं। टेस्टिस होती है हमारी, और टेस्टिस के साथ चार वेसल्स लगी होती है। उनमें से चार वेसल्स क्या क्या होती है? एक वेसल होती है आर्टरी, जो हमारे हार्ट से टेस्टिस को ब्लड लेके जाती है। दूसरी होती है वेन, जो कि हमारे टेस्टिस के इस ब्लड को वापस हमारे हार्ट की तरफ लेके आती है। तीन नंबर पे होती है वास डिफरेंस, जो हमारे स्पर्म्स को हमारे यूरिनरी ट्रैक में लेके आती है। और इस लिम्फेटिक्स, जो एक्स्ट्रा फ्लूड वगैरह होता है हमारे टेस्टिस का, उस फ्लूड को हमारे बॉडी में वापस लेकर आती है। इनमें से जो वेन होती है, जो ब्लड, जो आर्टरी ब्लड लेके गई है, जो ब्लड लेकर वापस आ रहा है, जो वेन्स होती हैं उस ब्लड को जो ऊपर लेके आती हैं, क्योंकि हमारे ये टेस्टिस बाहर हैं, शरीर के बाहर हैं, तो ग्रेविटी की वजह से ये ब्लड वापस नीचे की तरफ पुल हो जाता है। लेकिन इसको बचाने के लिए भगवान ने इन वेन्स में कुछ वॉल्व्स दिए हैं, जो कि जो ब्लड ऊपर चला जाता है वो नीचे नहीं आता है। जब ये वॉल्व खराब हो जाते हैं तो वेरिकोसिल बनने का चांस होता है, वेरिकोसिल डेवलप होती है। तो ये तो रही एनाटॉमी की बात। अब बात करते हैं वेरिकोसिल्स होती क्यों है। वैसे तो अभी तक इसका करेक्ट कारण पता नहीं पड़ा है, पर जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है जो वेन्स के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब ये वॉल्व कैसे खराब होते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से कुछ कारण हैं कॉन्जिनाइटल, कि जो जन्म से ही इन वॉल्व के अंदर कोई इन वेन के अंदर वॉल्व खराब रहते हैं या होते नहीं हैं। दो नंबर पे होता है ये वॉल्व ग्रेविटी की वजह से, जब पेशेंट्स कुछ पेशेंट बहुत लंबे होते हैं उनके ग्रेविटी की वजह से काफ़ी प्रेशर रहता है, उससे वॉल्व खराब हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से, या एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता की वजह से, या किसी किसी पेशेंट्स के अंदर ये जो वेन्स हमारी रिट्रोपेटोनियम हमारे पीठ के हिस्से में होकर सीधी अपनी ब्लड वेसल्स में खुलती हैं, बड़ी ब्लड सिराओं में खुलती हैं, तो वो जो उनका जो फैट के सराउंडिंग जो फैट होता है जो इस वेन को सपोर्ट करता है उसके खराब वो सपोर्ट नहीं होने की वजह से वेरिकोसिल डेवलप करती है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर जिसमें से लेफ्ट साइड में वेरिकोसिल ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों कॉमन ज़्यादा होता है लेफ्ट साइड में? क्योंकि लेफ्ट साइड की जो वेन है वो डायरेक्ट हमारी किडनी की सिरा में, किडनी की वेसल में खुलती है, और कभी कभी ये एक्यूट एंगल पे खुलती है जिसकी वजह से इनमें प्रेशर ज़्यादा रहता है और ये वॉल खराब हो जाते हैं और वेरिकोसिल डेवलप हो जाती है। ये तो बात हुई वेरिकोसिल होने के कारण के बारे में। अब ये वेरिकोसिल जो बन गए हैं उसकी वजह से हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे आप जानते हैं हमारे टेस्टिस से लाखों की संख्या में स्पर्म तैयारी होते हैं, जिस स्पर्म तैयारी होते हैं तो उनसे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट वेन के थ्रू ऊपर जाकर किडनी के थ्रू फिल्टर होकर हमारी यूरिन के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये वेरिकोसिल डेवलप होती है तो उससे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान बने हैं वो ब्लड में वापस नहीं जा पाते हैं, ये टॉक्सिन्स इन टेस्टिस में कंटिन्यू कलेक्ट हो जाते हैं, उससे हमारे स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है क्योंकि ये एक टॉक्सिन का काम करती है। उसके अलावा ये जब ब्लड ऊपर नहीं जाता है तो हमारे स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। भगवान ने टेस्टिस को बाहर इसीलिए बनाया है क्योंकि अपने स्क्रोटम में जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री कम होता है हमारे शरीर की अपेक्षा, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन ठीक ढंग से हो सके। जब इनका टेम्परेचर इन ब्लड वेसल्स के पुल होने की वजह से हो जाता है तो इनमें ब्लड स्पर्म प्रोडक्शन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही खराब हो जाती है। उसके अलावा हमारे जो टेस्टिस हैं वो छोटे हो सकते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की संख्या बढ़ सकती है, टेस्टिस स्मॉल हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये कंटिन्यू एक डल एक पेन की जैसे भी
हो सकता है। तो डलेक पेन जो होता है टेस्टिस का, वो भी वेरिकोसिल की वजह से होता है। कभी कभी उसमें शार्प पेन भी हो जाता है और कंटिन्यू ड्रैगिंग सेंसेशन भी रहता है। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इनको डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इनको हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि आपके स्क्रोटम में एक बैग ऑफ वर्म के जैसा वेनों का एक गुच्छा फील होता है। जब इनका हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, स्पेशली डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पे वेरिकोस वेन डेवलप हो गई हैं और ये वेन्स एक गुच्छा बना के रह रही हैं वहाँ पे, उससे ब्लडिंग पुलिंग ज़्यादा हो रही है। अभी तो जब पता पड़ जाता है उसके बाद में हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसकी ग्रेडिंग भी पता करते हैं। इसकी ग्रेड 1, 2, 3, 4 होती है। तो अब ट्रीटमेंट के हिसाब से बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं या फिर उसकी ग्रेड क्या है। अगर आपका वेरिकोसिल लो ग्रेड का है, आपको किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, आपको किसी तरह की इनफर्टिलिटी नहीं है, आपके बच्चे हो गए हैं, या फिर आपका स्पर्म काउंट में स्पर्म अच्छी क्वालिटी में और अच्छे काउंट्स में बन रहे हैं, तो किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। किंतु पेशेंट को जब पता पड़ जाता है कि मुझे वेरिकोसिल है, तो ये वेरिकोसिल ज़्यादा नहीं हो, उससे मुझे नुकसान नहीं हो, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे कि आप सस्पेंसरी बैंडेज या स्क्रोटम सपोर्ट को रूप में उसको पहन सकते हैं ताकि ये वेंस वगैरह पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। 2, आप अपनी टेस्टिस को ठंडा रख सकते हैं। और 3, आप अपने लोअर एब्डोमेन में किसी तरह का प्रेशर नहीं दें, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करें। ऐसे करने से आपकी जो वेरिकोसिल की ग्रेड है वो लो की लो रहेगी और आपके वैसे कोई सिम्टम है नहीं, तो किसी तरह ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। किंतु खुद पेशेंट में ये वेरिकोसिल लो ग्रेड की होती है पर पेशेंट में कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि टेस्टिस में पेन होता रहता है, टेस्टिस छोटी हो गई हैं, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जा रहा है शरीर में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जा रहा है, उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जा रहा है, या आपका स्पर्म काउंट या क्वालिटी में इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे में अगर आपके सिम्टम्स के साथ में लो ग्रेड वेरिकोसिल भी है तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। किंतु अगर आपका ये वेरिकोसिल हाई ग्रेड का है, ग्रेड 3 या 4 का है, तो ऐसे में भी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब वेरिकोसिल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, वेरिकोसिल का कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं हो सकता है। ये होम्योपैथी में और आयुर्वेद में जाके लोग बात करते हैं, उससे वेरिकोसिल ठीक नहीं होती है और कई बार जाते जाते तो उनका स्पर्म क्वालिटी इतना पुअर हो जाता है पेशेंट्स का कि वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिए, वेरिकोसिल का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। उसके लिए मैक्सिमम आप सस्पेंसरी बैंडेज बांधकर स्क्रोटम को सपोर्ट दे सकते हैं, आप हैवी एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग ना करें। उसके अलावा वेरिकोसिल के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जिकल। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम 4 तरीके से करते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है लेप्रोस्कोपिकल वेरिकोसिलेक्टोमी, 2 होता है ओपन वेरिकोसिलेक्टोमी। पर इन दोनों ही प्रोसीजर के अंदर रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कभी कभी टेस्टिस का डैमेज होने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है कि अगर इनमें प्रोसीजर के ड्यूरेशन में हम अगर आर्टरी जो हमारी ब्लड सप्लाई टेस्टिस को लेके जा रही है, जैसे मैं आपको एनाटोमी में बता चुका हूँ, तो आपकी आर्टरी अगर डैमेज हो जाती है तो उससे आपकी टेस्टिस खराब हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो इन ओपन और लेप्रोस्कोपी के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरा तरीका होता है एम्बुलाइजेशन। एम्बुलाइजेशन करके जो वेंस, जो फीडिंग जो वेंस आ रही हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि इसमें से जो ब्लड कलेक्शन हो रहा है वो ब्लड कलेक्शन कम हो जाता है। पर एम्बुलाइजेशन के लिए पेशेंट को रेडिएशन की ज़रूरत होती है, कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और इसमें रिकरेंस रेट भी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। बेस्ट ट्रीटमेंट है माइक्रोसर्जरी। माइक्रोसर्जरी हम कैसे करते हैं, आप सब इंग्वाइनल एरिया में 1 सेंटीमीटर का इंसर्जन देते हैं और माइक्रोस्कोप से हम देख पाते हैं ये कौन कौन सी एनगोज वेन्स हैं, उन वेन्स को हम टाई कर देते हैं, क्रिमेस्ट्रिक जो मसल होती है उसको थोड़ा सा कट कर देते हैं और जैसे कि उसकी जो अदर जो वेसल्स हैं क्रिमेस्ट्रिक के थ्रू आपका ब्लड लेके जा सकती हैं, उसमें आर्टरी भी अच्छी तरह पहचान पाते हैं, उससे हम बचा सकते हैं ताकि आपका टेस्टिस का कोई इंजरी नहीं हो और लिम्फेटिक्स को भी हम देख के बचा सकते हैं। हम केवल एनगोज्ड वेन जो कि वेरिकोसिल की वेन है उनको ही बांधते हैं या टाई करते हैं। लिम्फेटिक्स अगर नहीं बनती है तो भविष्य में आपके हाइड्रोसिल का चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरिकोसिल का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जिकल। बेस्ट ट्रीटमेंट है माइक्रोसर्जरी सब इंग्वाइनल टेक्निक के थ्रू।
तो फ्रेंड्स आप देख समझ पाए होंगे, वेरिकोसील होने से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, टेस्टिस छोटा हो सकता है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड इसका अगर आपको वेरिकोसील है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और वो लो ग्रेड है, आपको कोई सिम्टम नहीं है तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं, आपके स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं, आपको इनफर्टिलिटी हो रही है, तो आप उसकी सर्जरी जल्द से जल्द करवाएं ताकि आपके जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जो टेस्टिस का जो डैमेज है वो रुक सके और आप अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर सके। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।